हेलो पब्लिक, तो रोले ऐसे हैं भाई कि आज हम आ रहे हैं जी एक और गेम प्ले के साथ। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको जी हमारे गेम प्ले अच्छे लगते होंगे। और जी सुनाए कैसे एक दिन गुजर रहे, कैसे मिजाज है। पावर प्लांट में हमारे टीममेट ने जी वहाँ पर मार्क किया कि इधर उतरना है, लेकिन नंबर 3 के इरादे नहीं है उधर जाने के। तो सो रैंडम में ऐसे ही होता है कि जिधर जिसको आपने फॉलो किया होता है तो वही आपको जिधर ले जाता है, आपको जाना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने अपने स्कॉन फॉलो करके मैंने कहा कि इधर अपने तरीके से इधर चलते हैं रिकॉल सेंटर पे, क्योंकि मैं रिकॉल सेंटर को इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि हम रैंडम खेल जाते हैं। रैंडम में ये होता है कि आपके टीममेट्स अगर नाक हो जाए तो रिकॉल सेंटर पर अगर आप पहुँचे हुए हो तो ये फ़ायदा होता है, चलो उन्हें रिकॉल कर देता है बंदा। सो मैंने तो जम किया लेकिन हम नीचे गिर गए। सो यहाँ से यार गन तो मिल गया, हमें गन उठाते हैं। तो ये 6 नंबर मिल गया था स्कोप, और ये तो मुझे इतना ही सख्त बुरा लगता है, मैं 6 नंबर स्कोप को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, जिस क्योंकि 6x जो होता है उस पर मेरा एम बिल्कुल भी नहीं बैठता। मैं मुझसे ज़्यादातर लॉन्ग में 3-4 मैक्सिमम 4 तक 4x तक जाता हूँ बस डर से, और 2 नंबर स्कोप को भी 2x को भी लाइक करता हूँ, और रेड हार्ट का भी दूसरे सब कर लेता हूँ, लेकिन जो 6 और जो है 8 स्नाइपिंग तो मैं करता हूँ, स्नाइपिंग का मैं मुझे ज़रा भी शौक नहीं है। तो मैं रैंडमली इसीलिए खेलता हूँ, दूसरी सारी गन्स के साथ खेलता हूँ लेकिन स्नाइपिंग नहीं करता। आपने चेक किया होगा कि मेरे मोस्ट से जो वीडियोस होती हैं या मेरे गेम प्ले हैं उसमें मैं जो होते हैं ना स्नाइपिंग बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि मुझे स्नाइपर राइफल्स अच्छी नहीं लगती हैं, एम को मैं इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं करता। मैं फोकस करता हूँ उसके इसका क्लोज बैटर एक मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्लोज रेंज में 0 मीटर डिस्टेंस के साथ जो हाइट होती है वो वेरी अनस्टली बहुत इंजॉयफुल होती है। तो सो यहाँ पे आ गया तो मुझे पता चला कि जी के इधर ऊपर कोई है, मैंने सोचा कि इसको किस तरह नॉक किया जाए। अभी मैं सोच ही रहा हूँ तो अभी मैं इधर खड़ा रहा तो ये ना उसका साथी आ जाए, उधर से वो फायर करके उधर से नॉक कर देगा। तो मैं इधर से इधर निकला, मैंने कहा कि इधर से जाके एक पोजिशन लेते, पोजिशन लेने के बाद जो है ना इसके साथ हम अपने मामला तय करेंगे। तो मैं पीछे से होकर ऊपर चढ़ा, मैंने कहा इधर से एक तो मेरा व्यू बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे वो नज़र आएगा, लेकिन वो इस तरह कहीं छुप के बैठा हुआ था, ये कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। सो मैंने सोचा कि अब इसको किस तरीके से वो किया जाए, लेकिन कुछ समझ नहीं आई। तो फिर मैंने एक राउंड लगाया, मैंने कहा इधर से देखता हूँ शायद ये इधर से सामने आ जाए, लेकिन वो भी ऐसा बैठा हुआ था, ऐसा बैठा हुआ था कि उसने भी कसम डाली हुई थी कि सामने तो आना ही नहीं। हमें और करीब आ गया, मैंने कहा उसके पता चले तो पता ये चला जी कि वो इधर ही है, इसी कोने में कहीं आगे पीछे बैठा हुआ। आई थिंक ये इधर हो गया, अब सीढ़ियों में चला गया जी, क्या ये बैठा हुआ इस कोने में बैठा हुआ था। उसने मुझे थोड़ा मैसे नजर आया, उसने फायदा इधर होकर इधर आया, इधर से मैंने इसको फायदा दिया, लेकिन वो इतना प्रो प्लेयर था इसने भी हरकत की जो शायद मैं कर, इधर से आगे मैं थोड़ा से कम रुबड़ा था तो मैंने इसको किल कर लिया। तो अब ये है कि उससे लिया जी लूट, ये लूट लेते हैं और फिर आगे चलते हैं आगे, शायद जो इतनी देर में हम इसको ये जो है ना रेड बुल पी लेते हैं। रेड बुल के साथ हम ये दूसरा एनर्जी ड्रिंक भी मैं KFC से लिया था वो पीते हैं। तो सो हमने दोनों पी के ख़ुद को अच्छा खासा बूस्ट कर लिया है। तो अब हमने सोचा तो अभी से इधर से एक और बंदा आ गया, तो उस बड़ा बंदा इधर से आया, इधर से उतरे, इधर पहुँचे तो वो बंदा जी अंदर आ गया, घर के अंदर चला गया। तो मैंने सोचा कि चलो जिससे फाइट लेते हैं वो घर के अंदर आ गए, क्योंकि अगर वो है तो उसका साथी भी साथ होगा, और अगर बाहर बैठे रहे तो इन्होंने तो हमें खड़का देना, तो मारा तो इन्होंने तो ये पांचा कर देना। तो सो मैंने कहा डिसाइड किया किस तक करते हैं कि थोड़ी देर में देखा आगे पीछे कि शायद ये बंदा खुद ही आ जाए, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि वो बोट था, वो किधर से आता ना उसका कोई टीम मेट था ना कुछ। तो सो मैंने कहा चलो अभी
क्योंकि फुटस्टेप्स इतना आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि बॉट है कि तो, क्योंकि समटाइम जो प्रो प्लेयर्स होते हैं वो अपने मूवमेंट को भी बॉट्स की तरह ही रखते हैं, जैसे बॉट्स होते हैं इसी तरह। अभी तक पहले मशीन होगा तो मैंने कहा चलो जैसे लगता है ये असल में प्रो प्लेयर आया हुआ था, इसको तो मैंने खैर जैसे कर दिया फायर दिया मुझे और यहाँ से मुझे अच्छा खासा उसने गुड लक हुई कि मैं इधर से निकल गया, तो मैं फिर उसको भी मारा और इधर से लेके मैं इधर से होके इधर जाता हूँ, इधर आ जाता हूँ, इधर आके मैं इधर से देख रहा हूँ कि वो गया किधर है। तो बहुत इतने दूर कैसे हो पहुँच गया, वो था ये वाला है तो मैंने राड़ा लगाया यार इतनी देर में मुझ पर इस तरह फायर शेल हुए, इधर से फिर से बच गया मैं, मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। हर इधर से मैंने खुद को हील किया, हील करने के बाद में कहा लूट करते हैं, लूट करने के लिए अब इधर से मैं इधर से ऐसे निकला, मैंने कहा अब इसको देखते हैं कि इधर कौन था ऊपर, इधर जो था वो तो खैर इधर थे, इधर तो थे ही नहीं, तो मैंने कहा चलो अपने साथियों को रिकॉल करते हैं, वो आके हेल्प करेंगे, हो सकता है कमाल ने मदद करनी, वो आए और फिर उनकी वजह से ही थोड़ा सा, क्योंकि वो दूसरी तरफ उस नुबड़े की सारी टीम थी, ये गाड़ी आ गई, गाड़ी इधर से ऊपर गई, ऊपर गई यहाँ से गाड़ी, तो मेरे टीममेट्स थे वो भी मेरा ख्याल है उधर ऊपर ही उतरे हैं, सो मैं उनसे निकला वापस से इधर से पहुँच गया इधर, दोबारा अच्छा जी हम कैसे लूट लेते हैं कि कुछ और मिल जाए, तो खैर उसके क्रेट में काफ़ी सारी चीज़ें थी वो ले ली, यहाँ से 416 हमने उठा ली, और यहाँ से देखते हैं कि अभी कोई और तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये वहाँ पे क्रेट रह गया, सो इधर से भी बंदे नहीं थे, तो अभी हम उधर प्रो सी फीलिंग हो रही है क्योंकि हमने 5 किल्स कर लिए, 5 किल करके इंसान जो है ना बड़ी फीलिंग प्रो सी आना शुरू हो जाती है, जैसे हम बहुत हालांकि इतना ज़्यादा उस तरह आउटस्टैंडिंग इतनी नहीं थी, वो बेचारे मेरी तरह ही थे, इसी वजह से खैर यहाँ से हमने सोचा कि अब यहाँ से आगे निकलते हैं, तो मैं यहाँ से आगे निकल रहा है तो मेरे टीम मेट भी साथ ही थे, टीम मेट एक सेफ और नूब थे, नूब वो दोनों फिर उधर से निकल गए, तो मैं सोचा चलो अगर वो उधर से निकल जाते हैं तो मैं भी उधर से निकल जाता हूँ, मैं इधर आ गया वो रस्सी के जरिए जो है ना उसके साथ इधर पहुँच गया, तो मैंने सोचा चलो इधर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके यहाँ से देखते हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, तो हम इधर से इधर पहुँच गए और इधर से जब हमने देखा तो यही जगह भी काफ़ी लूट शूट हो चुकी थी इस जगह पर, अच्छा जी तो फिर उन्होंने यहाँ से काफ़ी सारी लूट की हुई थी, तो लूट करने के बाद जी हम यहाँ से उठे तो फिर हमने आगे जाने का सोचा, तो यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे इधर ही गाड़ियाँ नहीं जा रहे हैं, यहाँ से कभी कभी ऐसे फायर देते हो सकता है नाक ही हो जाए हम नुबड़ों से भी, लेकिन वो नाक तो नहीं गाड़ी को काफ़ी सारा फॉलो किया लेकिन वो निकलने में कामयाब हो गया, तो आप लोगों से कहना था मैं भूल गया, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप शेयर और लाइक लाजमी से कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आपकी मोटिवेशन होगी, आपकी मोटिवेशन से ये होता है कि मेरा जो वॉइस ओवर करने के स्किल्स है वो मज़ीद डेवलप होंगे, क्योंकि ये आप लोगों की हौसला अफजाई से हम आगे बढ़े यहाँ पे किए, तो अब ये इधर से इस बंदे ने मुझे वो दूर से ना कर दिया, खैर अभी जो है ना तो हम इस तरह करते थे, अगर हमारे चैनल का सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो अभी ये जो इनका एक खिलाड़ी घूम के पीछे से आने वाला है, तो वो जब वो इधर से आएगा तो मैं ऊपर से नाक करेगा, तो उसके बाद हमारी टीम फिनिश हो जाएगी, क्योंकि जो है ना मैं नूबड़ा फिनिश होऊंगा तो सारे फिनिश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ना कोई रिवाइव करता है तो ना कुछ ना मुझे दोबारा जो है ना रिकॉल कोई कर सकते हैं, तो खैर मैं इधर से वेट कर रहा था, इसका मैंने निशान देखी कि इधर बन गया तो सो हो गया,
उसके बाद जी मैंने यहाँ पे करके चले फेंकता हूँ, कैसे कहते हैं स्मोक ना, वो नॉक हो गया। तो मुझे ये नहीं पता था कि बैक साइड पे बंदा पहुंच चुका है, तो वो इधर पहुंच गया बंदा। तो रश करते हैं, लेकिन मसला ये हुआ कि उसने मुझे ऊपर से